नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, अगस्त का महीना क्या कुछ खास वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया है। इस वीडियो में हम आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल में हम आपको जानकारी देंगे वृषभ राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों के जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पहलू के बारे में कि किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो अब आइए हम आपको बताते हैं राशिफल, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं वृषभ राशि की। तो राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृषभ राशि वीर्यवान राशि मानी जाती है। इस राशि के जातकों में उत्साह, ऊर्जा और जुनून की किसी प्रकार की कमी देखने के लिए नहीं मिलती है। प्रसन्न चित्त होकर, मेहनती होकर किसी कार्य को आत्मविश्वास के साथ ये जातक करते हैं। इस राशि वाले जातकों में कला प्रेमी और क्रिएटिविटी होती है, संगीत साहित्य की ओर रुझान होता है। साथ में कठिन चुनौतियों का, कठिन परिस्थितियों का ये डटकर सामना करते हैं। अपनी असफलता से कभी ये जीवन में भागते नहीं है, सीख लेते हुए नजर आते हैं। परंतु वृषभ राशि वाले जातकों, बहुत सारे जातकों को पुराने समय से ही कई प्रकार की समस्याएं चल रही है। वर्तमान में बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है। प्रेम संबंध को लेकर चुनौतियां बनी हुई है। कई जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं बनी हुई है, जिसमें पेट से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या बनी हुई है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या चल रही है, परिवार को लेकर समस्या चल रही है। उसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताएंगे। बहुत सारे जातकों को अपने करियर और अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके कारण आप मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इसके लिए भी वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय आपको हम जरूर बताएंगे। सबसे पहले जातकों, आपको हम बता दें आपके राशि में ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के लगन में राहु और राशि के सप्तम में केतु दोनों ग्रह वक्रगत स्थितियों में पूरे महीने तक रहने वाले हैं। राशि के चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र, मंगल पूरे माह अगस्त तक रहेंगे चतुर्थ भाव में, और शुक्र आपके राशि में 11 अगस्त तक चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति पूरे महीने तक आपके राशि के दशम में वक्री रहेंगे। शनि भाग्य भाव में वक्री रहने वाले हैं। सूर्य बुध राशि के पराक्रम भाव में गोचर स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली पर बनी हुई है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का समय अगस्त का रहने वाला है। शुरुआत करते हैं करियर से और व्यावसायिक जीवन से। इन सभी चीजों का विचार राशि के दशम भाव से किया जाता है। राशि के दशम भाव से व्यक्ति के कर्म, उन्नति, व्यवसाय, प्रसिद्धि, ख्याति, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। इस भाव में, इस भाव के जो स्वामी है स्वयं गोचर स्थितियों में, भाग्य भाव में मौजूद हैं। गुरु बृहस्पति राशि के दशम में मौजूद हैं। यहां पर मंगल की दृष्टि जा रही है। इस भाव में जातकों, शुभ ग्रहों का प्रभाव बना तो हुआ है, साथ में पूर्व के समय से ही वृषभ राशि वाले जातक अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। अगस्त के महीने में काम में तेजी देखने के लिए मिलेगी। नौकरी पेशा जातक हो या व्यवसाय से जुड़े हुए जातक हो, दोनों जातक बहुत ही अच्छी सफलता अर्जित करते हुए इस महीने नजर आने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष सफलता देखने के लिए इस महीने मिलने जा रही है। साथ में ऐसे जातक
जो मनोरंजन खेल शुक्र प्रधान क्षेत्रों में संलग्न हैं, गुरु बृहस्पति से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए समय काफी आशा के अनुरूप रहने की संभावना रहने वाली है। इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास और मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार के संघर्ष और चुनौतीपूर्ण कार्य को आप आसानी से डील कर लेंगे, आसानी से हल करते हुए नजर आने वाले हैं। सूर्य की स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान भी देखने के लिए मिलेगा और पुरुषार्थ भी आप ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों के धन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी हम आपको दें तो देखिए, राशि के द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है और राशि के लाभ भाव से लाभ का विचार किया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह जो महीना है अनुकूल रहने वाला है, इसमें आमदनी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। राशि के भाग्य भाव में मौजूद शनि देव की दृष्टियां आपके राशि के ऊपर जा रही है, काफी शुभ स्थानों पर जा रही है। गुरु बृहस्पति धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, जिससे मेहनत के फल स्वरूप परिणाम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलने जा रहा है। आर्थिक जीवन में स्थायी संपत्ति अर्जित हो सकती है, जिसमें भवन वाहन भी आप खरीद सकते हैं और साथ में भूमि खरीदने की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों को खर्च का भी अत्यधिक सामना करना पड़ेगा, आप व्यर्थ में व्यय भी होता हुआ भी नजर आ सकता है। भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसमें परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी जातकों दिया जाए तो देखिए, पारिवारिक मामला काफी उत्तम रह सकता है, पारिवारिक स्थितियां सौहार्दपूर्वक रहने वाली है, पर इस समयावधि में व्यर्थ की वाद विवाद की स्थिति भी आप निर्मित कर सकते हैं। छाया ग्रह राहु के प्रभाव, लगन में बन रहे प्रभाव के कारण आपके वाणी में काफी तीव्रता देखने के लिए मिल सकती है, इससे परिवार के सुख शांति में खिन्नता भी उत्पन्न हो सकती है। यहां पर राशि के चतुर्थ भाव में मंगल के आने से आपको माता के स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूपण इस महीने ध्यान रखकर चलना चाहिए। माता पिता से किसी प्रकार का व्यर्थ वाद विवाद करने से इस महीने वृषभ वाले को जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो दर्शकों, प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां शानदार और श्रेष्ठ बनी हुई रहने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों की कामुकता में वृद्धि होगी और ऐसे जातकों को किसी खास समस्या से भी निपटना पड़ सकता है, तो यहां पर आपको सावधानी रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर आपको जानकारी दें, राशि के सातवें भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर केतु मौजूद हैं, साथ में राहु देव की दृष्टियां इस भाव पर जा रही है, गुरु की दृष्टि जा रही है, जिससे पारिवारिक यहां पर वैवाहिक मामला काफी मिला जुला रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों की सुख शांति में कमी और ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, यानी अप एंड डाउन बराबर चलता रहेगा। इस पूरे माह तक व्यर्थ का वाद विवाद ही हो सकता है, वहीं दूसरी ओर आपके रिश्ते में सम्मान की भावना भी और खुशनुमा स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। जीवन साथी और पार्टनर के साथ अपने संबंध को हमेशा धैर्यपूर्वक ठीक रखकर चलने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। व्यर्थ का वाद विवाद और कठोरता रखने से आपको बचना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। इस महीने शिक्षा के लिहाज से जुड़े हुए जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए यह महीना बहुत ही खास रहने वाला है। शिक्षा में जुड़े हुए जातक जो शोध कार्यों में संलग्न है, जो क्रिएटिव फील्ड में जातक संलग्न है, उन जातकों के लिए बेहद ही बड़ी सफलता इस माह देखने के लिए मिल सकती है। यदि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं
और उसमें आप बैठने की योजना बना रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए काफी खास और उत्तम रहने वाला है। इस महीने जातकों, अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो ग्रह गोचर इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी ज्यादा ठीक रहने वाला है, पर व्यर्थ का यदि आप तनाव मन में लेकर नहीं चलेंगे तो स्वास्थ्य आपका इस महीने पूरे महीने तक ठीक रह सकता है। मोटापा बढ़ने की समस्या देखने के लिए मिल सकती है और वह वृषभ राशि वाले जातकों के खान पान की आदत के कारण देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें। घरेलू भोज पदार्थ पर आप ज्यादा प्राथमिकता दें, घरेलू भोजन पर प्राथमिकता दें, साथ में तला भुना भोज पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से वृषभ राशि वाले जातकों को पूर्ण रूपेण दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शरीर में स्वस्थ, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो वृषभ राशि वाले जातकों, कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य और भविष्य दोनों को बदला जा सकता है, ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने आत्मविश्वास को सबसे बड़ा हथियार बनाएं। किसी कार्य में यदि किसी कार्य में आप संलग्न हैं तो सबसे पहले अपने मन से व्यर्थ का भय, अज्ञात भय को आप दूर करके चलने का प्रयास जीवन में करें। दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य में संलग्न हो, मेहनत और लगन से बड़े मुश्किल को भी आसान किया जा सकता है। लक्ष्य के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार रहें तो बेहतर सफलता आपको इस महीने देखने के लिए जरूर मिलेगी। दूसरा, इस महीने वृषभ राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन पर ध्यान रखना है। उसी कार्य के बारे में सोचना शुरू करें जहां पर आपका नियंत्रण है। व्यर्थ के अपने समय को बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए, साथ में आप कार्यों को डिले करने से वृषभ राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। अपनी आलसी आदत पर इस महीने आपको ध्यान देना है। तीसरा काम आपको वृषभ राशि वाले जातकों को यह करना है कि चिंता मुक्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर किसी कार्य में संलग्न हो। प्रत्येक दिन महापुरुषों की जीवन शैली का अध्ययन करें यदि आप खाली वक्त पर रहते हैं तो। चतुर्थ काम वृषभ राशि वाले जातकों को यह करना है, प्रत्येक दिन ध्यान करना चाहिए। जी हां, अपने आप को समय आप दें। व्यर्थ का न्यूज देखने से आपको बचना है। ध्यान करते वक्त एकांत का सहारा लें। मेडिटेशन एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन में अच्छे और बुरे गुणों का आकलन कर सकता है, और मेडिटेशन व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही जरूरी कदम होता है। तो यदि आपके अंदर किसी प्रकार के दुर्गुण हैं, उसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। धार्मिक उपाय वृषभ राशि के लिए जानकारी दें तो वृषभ राशि वाले जातकों को प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना उत्तम रहने वाला है। शिव मंदिर में भगवान शिव जी के ऊपर जलाभिषेक, बिल्व पुत्र अभिषेक आप जरूर करें। जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को सोमवार के दिन भरपेट भोजन जरूर खिलाएं। अपने माता पिता का पूर्ण रूपण सम्मान करें, जिससे बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। यदि आप गौ पालन करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रत्येक दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, और किसी कार्य को यदि प्रारंभ करने जाएं तो गाय की जो पीठ है उस पर आपको हाथ फेर कर जाना चाहिए। इससे आप काफी ज्यादा लाभ जीवन में अर्जित कर सकते हैं। शनिदेव से जुड़ा अगर आपके लिए उपाय बताएं तो यदि जन्म कुंडली पर शनिदेव की स्थितियां खराब है तो यहां पर आपको प्रत्येक दिन वृषभ राशि वाले जातकों, शनिवार के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्योदय के पश्चात पीपल के वृक्ष पर मीठे जल को अर्पित करने के उपरांत ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का 108 बार
जप करना काफी खास और उत्तम रहेगा। इन उपायों को करके आप बेहतर सफलता जीवन में अर्जित कर सकते हैं। अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय करने का मन न बनाएं, किसी व्यक्ति को परेशान न करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।